मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया, मेरा ये काम कर लिया, कलेक्टर साहब मेरा काम करा। और ये ध्यान रखना, आरक्षण किसी कौम की तरक्की का रास्ता नहीं है। अगर किसी कौम की तरक्की का रास्ता है तो वो संगठन है। आरक्षण मिलने के बाद आपके हर गांव में दोनों जातियां रहती है, चमार जाटों की रहता है और वाल्मीकि भी रहता है। जब मैं बचपन में था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, वाल्मीकि का चरित्र था, सुबह उसकी पत्नी गोबर उठाती थी, वाल्मीकि सूर को चुरा के ले आता था, 11 बजे उसकी पत्नी रोटी लाती थी घरों से और वाल्मीकि खा के और ताश खेलता था और शाम को कच्ची पक्की दारू पीकर अपने वाल्मीकि को गाली देता था। चमार जिसे जाकर हरिधन, वो दिन रात किसान के साथ खेत में काम करता था, उसकी बीवी बच्चे साथ दूतियां बनाता था एक्स्ट्रा टाइम में। उसे पता लगा कि पढ़ाई के माध्यम से 1953 में बाबा अंबेडकर ने तुम्हें आरक्षण दिलाया, बाबा अंबेडकर का फोटो भगवान के रूप में घर में रख लिया और अपने बच्चों को कहा कि बाबा अंबेडकर की तरह बन जाओ। और उसके बच्चे लग गए उस काम पे। वाल्मीकि ने केवल यहां से माइग्रेशन किया, आपका गोबर हटाया, बंद किया और शहर के अस्पताल में जाके चपरासी लग गया, शहर के अस्पताल में जाके सफाई वाला लग गया, मिनिस्ट्री फील्ड में सफाई वाला लग गया। और जो काम वाल्मीकि करता था वो हमारी माता पहले करने लगी। जिसको रोटी हम दूर से देते थे, आज वो सारे काम हम कर रहे। क्या तरक्की की हमने। जिस देश को आरक्षण का पाठ दीन बंधु सर छोटू राम पढ़ा के गया, 1937 में पंजाब के किसानों को पढ़ाई में 50% आरक्षण दिया, उनको फ्री पढ़ाई करने का बीजेपी फंड बना, आज वही किसान आरक्षण की मांग कर रहा है। अगर हम जागृत होते तो चौधरी छोटू राम के बाद हमारी कौम के हर घर में चौधरी छोटू राम का फोटो होता और हम कहते देखो चौधरी छोटू राम सैन्य स्टीपन में पढ़ा है, बेटे तुझे भी सैन्य स्टीपन में जाना है, तो आज ये कौम हिंदुस्तान पे नहीं दुनिया पे राज कर रही हो। तुम राजा मानते हो मुख्यमंत्री को, तुम राजा मानते हो प्रधानमंत्री को, लेकिन दुनिया के राजा है पूंजी। बाजारवाद और पूंजीवाद का दौर, इसका राजा पूंजी। बिल गेट आता है तो सोनिया गांधी मनमोहन सिंह दोनों खड़े होते हैं, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा पूंजी। मुकेश अंबानी आ जाए, अनिल अंबानी आ जाए, खड़े होते हैं चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उनको उससे पैसा अपने प्रदेश में लगवाना। आपके सोनीपत की बात, सारी जमीन चली गई, इस जमीन पर कोई बिहारी रहेगा, कोई बंगाली रहेगा, कोई मद्रासी रहेगा, कोई फ्लैट 1 करोड़ का खरीदेगा, कोई फ्लैट 2 करोड़ का खरीदेगा, कोई प्लॉट में कोठी 5 करोड़ की बनाएगा और तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां उनके घर पे झाड़ू पोछा गाड़ी के ड्राइवर का काम कर रही होगी, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां उनको दूध सप्लाई कर रही होगी, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां उनके घर के बाहर चौकीदार का काम कर रही होगी। क्या यही सोच के हमने दीन बंधु सर छोटू राम को भुला दिया कि आगे तो हमें कुछ करना ही नहीं। ये बड़ी लड़ाई है, कौम के बदलाव की लड़ाई है, ये लड़ाई आरक्षण की नहीं है। अगर आप इसको आरक्षण की लड़ाई मानेंगे तो आप इसको जीत भी ले तब भी आप ऐसे ही रहेंगे जैसे रहते हैं। अगर आप इसको बदलाव की लड़ाई मानेंगे, आप इसको लेने के बाद तमाम दाखिलों को, मैं गया भाई फौजी बैठे हैं यहां साहब को उठ के, मैं दाद देता हूं ये 3-4 भाई हैं, इनके सारे बच्चे क्लास 1 से ऊपर, क्योंकि इन्होंने मकान में पैसा नहीं लगाया मुआवजे का, इन्होंने पढ़ाई में पैसा लगाया। अगर ये कोठी बना लेते तो भाई बेटा रणजी, ऐसे तमाम लोग। अगर आप सच्ची सफलता, सच्ची संपन्नता चाहते हो, माताएं काफी चली गई क्योंकि उनको दूध निकालना था, उनको घर का काम करना था, उनको सामने करनी थी। अगर आपने शिक्षा को मुख्य धंधा न बना, दिल्ली यूनिवर्सिटी 39% पर ओबीसी की सीट खाली और सोनीपत का लड़का कहां जाएगा पढ़ने, कुरुक्षेत्र,
जहां 70% का दाखला नहीं होगा, जहां फीस देनी पड़ेगी, जहां के बच्चे को तनख्वाह दिल्ली वाले बच्चे के मुकाबले कम मिलेगी, तुम्हारे घर में दिल्ली, तुम्हारे यहां की तमाम जमीनें एजुकेशन सिटी में अधिग्रहण हुई, 20 में 20 यूनिवर्सिटी का उद्घाटन जमीन थी, 19 यूनिवर्सिटी पैसे वालों वे फीस लेंगे 1 लाख 5 लाख 15 लाख 25 लाख 40 लाख, पर तुम बाहर गेट पे खड़े होंगे, हम तो दे ही नहीं सकते कि चलो कुछ नहीं, उस बच्चे को गुमराह करेंगे जो पढ़ने में तेज बच्चा होगा, उसे कहेंगे नौकरी में क्या राजनीतिक पढ़े, बस बहुत सड़क पर घूम रहे, मेडिकल करे बहुत सड़क पर घूम रहे, आप दुकान नहीं चल रही डॉक्टरों की, तो सिपाही की भर्ती में लग जाना है, लगने के तल में चाकने शुरू कर देता। आरक्षण का क्या फायदा, ये बैठे आपके पास यूपी वाले भाई सोमवीर बैठा सरूरपुर का, निहाने वाले बैठे हैं 78 सोमवीर के गांव से थे पिछली भर्ती में, 78 80 63 लड़के 15 लड़कियां, सारे हरियाणा के जाट भी भर्ती नहीं होने के लिए, अकेले गांव से थे, 34,000 वैकेंसी में 9,000 जाट थे, 9,000। केंद्र में कितनी वैकेंसी निकलती है, क्या निकलती, तुम्हारा मुख्यमंत्री बहकाएगा, तुम्हारे एमएलए बहकाएंगे, हमने भिवानी में मीटिंग करी, किरण जी भी भिवानी में घूम रही, उसी दिन मीटिंग करते हुए 8-10 एमएलए की ड्यूटी लगा दी कि मीटिंग खैर कर दो। 13 सितंबर को यही साजिश होगी, और जो भाई ओमबीर को रसलपुर कुरार वालों को पैसा देना चाहते थे दूसरे गांव से आए हुए, वे कमर कस रहे, वे दो दो तीन तीन दिन गाड़ियां चलाएं, इनके साथ अप अपने गांव की गाड़ियां रखे और सोनीपत में जागृति पैदा कर दे। सोनीपत का आदमी तो 5,000 आदमी नहर के पास बैठ जाना, आधे किलोमीटर के रेडियस में 5,000 आदमी मुरादनगर पर नहर के रेडियस में बैठ जाएगा, 24 घंटे में 10 लग जाएंगे, रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें तो एक का ही जरूरत है, तुम सबसे फ्रंट पर बैठे हुए हो, सोनीपत का आदमी को हमें केवल इकट्ठा होकर दिखा दे, लड़ाई बिल्कुल भी मत करना, हम इस लड़ाई को फटा करके आएंगे। तुम्हें जागृति केवल यह करनी कि हमने रोजाना 10 से 5 बजे तक पॉइंट छाप लेने हैं सोनीपत में, 2-3 एक रेलवे पर, और गांव बांट लो, कैया साहब गांव गांव घूम रहे, लिस्ट बना रहे, सोनीपत में अगर 300 गांव जाते होंगे, 100 गांव की ड्यूटी उस गांव पर, 100 की उस पर, 100 की उस पर, 10-10 गांव एक एक दिन पर ठोक ताश खेल लो, होक्का पियो, राग नहीं सुनो, रोज नई नई रागने वाले को बुलाओ, कोई हम इतने भी निकल गए कि हम रोज रागने नहीं सुन सकते, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। हमने कहा था 25-26 नवंबर को धर्मकारधारी आदमी का नेतृत्व में जब हम मिलने गए, हमने रात को सामवा रुके, हमने मंत्री को कहा, मंत्री जी अब हम दिल्ली नहीं आएंगे, अब हम खेत पे बुलाएंगे, और ये आप लोगों की ताकत थी कि 15 तारीख और 19 तारीख को हेलीकॉप्टर भेजकर मैं बुलवा जा रहा था। एक झटका, 13 तारीख आंदोलन का दिन नहीं है, 13 तारीख को रणनीति घोषणा होगी, अगर 13 तारीख को हजारों लाखों लोगों ने हिस्सा लेकर रणनीति की घोषणा कर दी और समय सीमा दे दी, तो मैं बता रहा उसी दिन इनकी हार्ट बीट बढ़नी शुरू हो जाएगी कि वो दिन आने लगा जिसकी ये तैयारी कर रहे थे। हमने जो ऐलान आज तक किए, जिस मीटिंग से ऐलान किए, चाहे वो पानी रोकने का था, चाहे रेल रोकने का था, चाहे उत्तर प्रदेश और पंजाब में कांग्रेस को हराने का था, सारे अंजामों को हमने हकीकत का बताया। हमारा फिर ऐलान, हमने जांच संकल्प यात्रा इसलिए की कि मुझे भी पहली बार एहसास हुआ, हम इस देश की सबसे बड़ी जाति, हम इस देश के सबसे ताकतवर जाति, और हम इस देश की सबसे मजबूत जाति, और उसके बाद हमें खत्म करने का प्लान। हम देश के 13 राज्यों में 120 लोकसभा चुनाव में, चाहे 77 का बदलाव चौधरी चरण सिंह और देवीलाल के माध्यम से आया हो, चाहे 89 का बदलाव चौधरी देवीलाल के माध्यम से आया हो, चाहे 97, 98, 98 का बदलाव